Fifth class. Now we are discussing about the chapter 11, area and its boundary. Okay, for the any shape, you know that area. What is area? Area is for any shape, how many region covered by the this shape is called the area of this shape. Okay, and its boundary, the outline, the distance of the outline of the shape is called the boundary of the shape. Okay. ये जो शेप दिखाई दे रहा है इसका टोटल जितना कवर किया इतना कवर किया तो ये टोटल ही इसका एरिया है और बाउंड्री इधर से स्टार्ट करके कितना डिस्टेंस टोटल बाउंड्री का है ये हो गया इसकी बाउंड्री. ओके समझ में आ गया. तो एरिया एंड बाउंड्री इन द प्रीवियस क्लास यू नो दैट एरिया व्हाट इज़ एरिया व्हाट इज़ बाउंड्री. ओके एंड यू नो दैट ऑल्सो अबाउट द हाउ टू find out the area for any shape. Actually boundary means it is mean by the perimeter of the shape. Okay, perimeter kya hota hai, understand? Let's start I give you about this concept of the length. Okay, and breadth and sides. Okay, in this shape, watch over this shape and tell me which shape is this. This is a square because all sides are equals. You know that square has all sides are equals, equals length. Okay, and what shape is this? This is a rectangle. Rectangle, this is 2 cm and 4 cm, length is 4 cm and breadth is 2 cm. ओके सो ये साइड से साइड को डिनोट किया जाता है ए से. ए इज इक्वल टू दिस इज ए, ए इक्वल टू दिस, ए इक्वल टू दिस, ए इक्वल टू, ए इक्वल टू 4 cm. और लेंथ, दिस इज कॉल्ड लेंथ, एल से डिनोट किया जाता है. तो एल और ब्रेथ. अभी आपको देखना है एरिया ऑफ स्क्वायर. स्क्वायर का एरिया कैसा होता है? स्क्वायर का एरिया होता है ए इंटू ए, मीन्स साइड इंटू साइड्स, साइड इंटू साइड मतलब है साइड के साथ साइड, एक साइड के साथ दूसरे साइड मल्टीप्लाई करोगे तो इसका क्या निकलेगा? एरिया ऑफ द स्क्वायर. ओके दैट इज इसका एरिया क्या होगा? 4 × 4. लेकिन एक चीज ध्यान रखना चाहिए, यूनिट स्क्वायर लिखना चाहिए, यूनिट स्क्वायर. ओके या फिर एस क्यू यूनिट, जो भी यूनिट हो, जैसे सेंटीमीटर दिया हुआ तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, स्क्वायर सेंटीमीटर लिख सकते हो. और पेरीमीटर 4 × साइड. ओके इज इक्वल टू 4 × ए. तो इसका पेरीमीटर क्या होगा? 4 × 4 = 16 और यूनिट भी लिखना है, जो यूनिट इधर दिया हुआ है सेंटीमीटर यूनिट है तो सेंटीमीटर इधर लिखना है, अंडरस्टैंड. ऐसे ही इधर भी एक चीज़ करना है, जैसे ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के लिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू टू, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ. ओके जैसे इधर लेंथ क्या है? 4 cm और ब्रेथ क्या है? 2 cm इज इक्वल टू 4 × 8 और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके ऐसे लिखना है आपको, अंडरस्टैंड. आफ्टर दैट ये रेक्टेंगल की ये एरिया निकल गया. एरिया कैसे फाइंड करना है? लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ के साथ ब्रेथ को मल्टीप्लाई करो तो एरिया निकल जाएगा रेक्टेंगल के लिए, अंडरस्टैंड. पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 × लेंथ + ब्रेथ. तो 2 × लेंथ + ब्रेथ, ये लेंथ 4 है और ब्रेथ 2 है, तो कैसे करोगे? 2 × लेंथ इधर 4 cm प्लस 2 cm ब्रेथ इज इक्वल टू 2 × 4 = 6 होता है, 4 + 2 = 6 cm इज इक्वल टू 4 × 6 = 12 cm. ऐसे फाइंड करना है, अंडरस्टैंड. ये दो रूल्स है, एरिया ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स. लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन 1 ऑफ द पेज नंबर 144. क्वेश्चन नंबर 1
state which shape has more area from the following pairs of the shape find its area. तो आपको पता है कि सिक्स सिक्स, ये भी सिक्स होगा, ये भी सिक्स होगा, तो ये रेक्टंग सॉरी एरिया निकालना है इसका. तो एरिया ऑफ स्क्वायर ए आर, ये एरिया जस्ट लिख के इसका एरिया क्या होगा, एरिया यू नो दैट साइड इनटू साइड, साइड इनटू साइड इज इक्वल टू साइड क्या है 6 सेंटीमीटर इनटू 6 सेंटीमीटर, 6 6 जा 36, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर. ओके ऐसे लिखना है. और इसका भी निकाल दो एरिया क्या होगा, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रिथ. क्यों लेंथ इंटू ब्रिथ, क्योंकि बोथ आर नॉट सेम, सो दिस इज लेंथ दिस इज ब्रिथ. तो लेंथ क्या होगा 7 सेंटीमीटर और ब्रिथ 6 सेंटीमीटर, 7 6 जा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर स्क्वायर सेंटीमीटर 42. तो दोनों में से एरिया किसका ज़्यादा है, बी का. तो क्या लिखना है, बीच सेप हैज़ मोर एरिया, बी सेप हैज़ मोर एरिया. Does B shape has more area? Understands? तो बाकी जो है ये आप easily find कर सकते हो. तो this is homework for you and this is also homework for you, this is also homework for you. Okay student, thank you, bye bye. Next day we will meet again in another class. Thank you.